Press the bell icon and never miss an update from Tele Masala. Everybody, come on! Please, यार वहाँ किसी ने आवाज़ नहीं आई। यहीं बजा दो, please. देखो, come on. मेरी मीडिया वालों के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम होती है, आते हैं, शूट करके चले जाते, कोई ताले नहीं बजाते. Please, इतना आप खाना खाओ यार. चलिए. तारीफ के तालियों के भूखे रितेश खंजानी आपसे कह रहे हैं. चलिए मूविंग ऑन. ऑलराइट गाइस, आप लोगों गुड इवनिंग एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने दोस्त का, यानी कि खिलाड़ी रितेश खंजानी. थैंक यू. अरे तू बैठेगा नहीं क्या? और मेरे दोस्त ये है भिखारी खिलाड़ी रवि दुबे. बट खैर, आप लोगों ने प्रोमो देखा, हमको देखा, आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा हम लोगों ने किया क्या है, कितनी मस्तियां की है, कितना सहा है, कितना कुछ हुआ है हमारे साथ. लेकिन दरअसल आज मैं बहुत खुश हूँ. आई एम रियली रियली हैप्पी कि आप सब लोग आए, क्योंकि आप लोगों से आज हम हमारा दर्द बांटेंगे, हमारे जो खून के आंसू भरे हैं स्पेन में, जो जो हुआ है हमारे साथ में उधर. मतलब कोई तो है जो हमारी आज सुनेगा, जो दर्द हमें मिले हैं. आप तो दर्द आज भी इसके साथ है. हाय नहीं, मतलब जो दर्द तेरे सीने में उठता है ना, पेन इन स्पेन, सोच के उस दर्द की बात कर रहा हूं पगले. थैंक यू. बट खैर, वो दर्द तो चलता रहता है, लेकिन आई हैव टू टेल यू, वी हैव एंजॉयड अ लॉट. हम लोगों ने बहुत मजा किया, डिडंट वी? वी हैड अ ग्रेट टाइम. मतलब आप कलर्स वाले अगर 12 ऐसे पागल प्राणियों को उठाकर स्पेन में रख देंगे तो क्या होगा? बूम बूम धमाका ब्रो, धमाका. और वो धमाका हुआ, इट वाज अ लॉट ऑफ फन. पर पंगा सिर्फ ये है कि वो ब्लास्ट जब हुआ तो हम लोग गाड़ी के अंदर थे और हमें नहीं पता था कि गाड़ी हमारे नीचे ब्लास्ट हमारे साथ हो रहा है. बाद में मैं आपको बता दूं, कई बार ब्लास्ट ऐसे भी हुए जिनका स्टंट से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ हमारी नाक से लेना देना था. व्हाट आर यू डूइंग यार, क्या नॉनसेंस है, लोग बैठे, पूरा मीडिया बैठा इधर यार, क्या बकवास है. ओके नो, बट ये सारे हीना इस चीज का गवाह है ना. हीना हीना के नाक के बाल सबसे ज्यादा चले कसम से. मैं मजाक नहीं, कभी नोज ट्रिमर की जरूरत नहीं पड़ी. मैं था ना ब्रो. ये लो आई. ओके, ये मैं खड़े हैं, ये रवि खड़ा हो गया. किसने किया? मैं? कौन? रवि? मैंने नहीं किया. एवरी टाइम यू टू से दिस. एक बार क्या हुआ, ऋत्विक भी नहीं है, सिर्फ ये और मैं खड़े हैं. फिर से पकड़ा गया. किसने किया? ये जो हमारे साथ जितना कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एक अन्नदाता की वजह से था. हमारे देवता है वो, जिन्होंने हमें आशीर्वाद समय समय पर रोज आके दिया. कभी आशीर्वाद के नाम पे सांप और बिच्छू थमा दिए. लड़कियों के साथ क्या किया वो तो पूछो. मतलब उनको जेवरात गले में गहनों के नाम पे, उनके गले में कोबरा अजगर डाल दिया करते थे. कभी हवा में लटका दिया करते थे. बड़े 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 बहुत ही हमारे दिल के करीब है वो. उनके बारे में थोड़ी ज्यादा बात ना करते हुए हम बढ़ते हमारे कंटेस्टेंट्स की तरफ. प्यारे दुलारे कंटेस्टेंट्स, ऐसे नहीं बताएंगे हम, ऐसे नहीं बताइए आपको. अब गैस करना पड़ेगा हमारे कंटेस्टेंट्स के बारे में. हम करते हैं आप लोगों के सामने कुछ, आप लोग खुद भी गैस करिए कि ये वाला कंटेस्टेंट कौन है. रवि हेल्प मी. ओह श्योर सर, यू आल्सो हैव टू हेल्प मी विद दिस. ये पहला कंटेस्टेंट हमारा. आई हेट दिस सॉन्ग, आई हेट दिस सॉन्ग, आई हेट गर्ल पावर, गर्ल पावर, गर्ल पावर, गर्ल पावर, गर्ल पावर. तो कहीं सुना मैंने. नाइस गॉड, थैंक यू हीना खान. एवरीबॉडी मेक सम नॉइस. हीना खान तेरी में एक्टिंग करती है. अच्छा मैं नेक्स्ट, रवि नेक्स्ट. आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा गेस करने के लिए, बिकॉज ये बिहाइंड द सीन जोक है. ये हमारे अगले कंटेस्टेंट. ये क्या हो रहा है? ये पीप यार, पीप. ये क्या हो रहा है? पीप, पीप, ये पीप यार, पीप. कैसे पता चला? एक सेंटेंस में 50 बीप आए, पता चल गया नहीं है. मैं जानना चाहता हूँ पूरी पूरी मीडिया को पता है कि नहीं है, मतलब किसी ने गैस भी नहीं किया कोई और. भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. अगला कंटेस्ट. अरे ये वाला ज्यादा मुश्किल नहीं है. दंगल दंगल. गीता जी आज अपने अपने गीता फोगट, जो फोगट में नहीं आई, सबसे ज्यादा पैसे उसी ने लिए. गीता जी आज अपने पति देव के साथ आई है. पवन जी कैसे, कैसा लग रहा है आपको मुंबई? बहुत अच्छा लग रहा है. आपको पता, आपको बड़ा मिस किया इन्होंने. बहुत बहुत बहुत. हाँ खैर, पति देव फोन पे बोलते थे कि गीता तू फिर जीत गई. अरे तो फिर जीत गई, तू फिर वही रहेगी, मतलब चलती नहीं आएगी तो वापस. ये हमें सुनने मिलता था. और अगला कंटेस्टेंट इज आवर फेवरेट. यार मैं एक शो के लिए मर नहीं सकता. I can't die on the show.
बोला ओ माय गॉड फरहान रुक इतनी आवाज थोड़ी और खराब करता हूँ बात करना चाहते हैं मोनिका शिवानी में से कोई भी हो सकती है लेकिन क्योंकि शिवानी आए इसलिए शिवानी डांडे का ऑल ऑफ यू गाइस वी हैव हैड अ वी हैव अ ग्रेट टाइम वी हैव अ ग्रेट बंच ऑफ कंटेस्टेंट्स सबके लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज कम ऑन आप लोग आ सकते हैं प्लीज 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 कम अप ऑन स्टेज प्लीज जेन्युइनली हम बुलाना चाहते हैं हमारे देवता देवता हैं उनको अरे रोहित शेट्टी एवरीबॉडी रोहित शेट्टी ओए ओए कोशिश करते हैं कि एंटरटेनमेंट ज्यादा हो बट ये जो बंच था ऐसा एंटरटेनमेंट मिलेगा आप लोगों ने देखा नहीं होगा स्टंट्स देखोगे आप डरोगे भी और साथ में हंसोगे भी कि जिस तरह से इन सब ने परफॉर्म किया है वो देखकर सर ये इसी बात से मुझे याद आया कि आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट स्टंट के बीच में कौन सा है सारे स्टंट फनीएस्ट फनीएस्ट वो कलर्स की टीम एडिट कैसे करती है लेकिन अगर वो स्टंट वैसे ही रखे तो मैं गारंटी देता हूँ मतलब गोलमाल से फनी स्टंट था वो था लोभा मुद्रा लोपा मुद्रा और गीता एंड बिलीव इट मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ वो एक रोंडा करके बहुत खूबसूरत टाउन है वहां वो स्टंट शूट कर रहे थे दो बिल्डिंग पे स्टंट था एक तरफ गीता एक तरफ लोपा एंड सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ अगर आप एडिट देखेंगे नीचे रेस्टोरेंट्स थे रेस्टोरेंट्स छोड़ के सारे जो कस्टमर्स हैं जो वहाँ के शहरी हैं वहाँ के लोग हैं वो सब बाहर आके स्टंट देख रहे थे और हंस रहे थे वो टग ऑफ वॉर था गीता और लोपा के बीच एक बिल्डिंग पे लोपा एक बिल्डिंग पे गीता है अब वो स्टंट शुरू हुआ गीता ऑब्वियसली गीता ने खींचा और लोपा आगे अब लोपा नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं है तो लोपा रस्सी छोड़ दे और बैठ जाए तो गीता और मैं गीता की तरफ खड़ा हूँ सेफ्टी देखने के लिए तो गीता ने शुरू किया सर ये तो रस्सी छोड़ रही है फिर गीता ऐसे हो गई सर जी आप ही कुछ कर दो फिर तीसरे में बोलती सर जी मैं रस्सी आपको दे दी आप ही फेंक दो इसे आप ही पुश कर दो सर आप ही पुश कर दो दरअसल वो स्टंट ऐसा स्टंट हो गया था आई हैव टू टेल यू कि नीचे लोग बैठे हुए थे और अपने घर वालों वो लोग सबको बुला लिया और ड्रिंक पे बैठे हुए सट्टा लगा हुआ आज मेरे 50 रुपए लगे गिरेगी नहीं कूदेगी नहीं देयर वर पीपल सेइंग कम ऑन 1 2 3 जंप एंड आई डोंट वांट टू जंप जब मैं कूदी लिटरली सारे रोंडा के लोग तालियां बजा रहे ये डेढ़ घंटा लग गया था उसमें सच्चाई तुम्हें बनानी पड़ेगी तुम्हें धक्का मार मार के उठाया गया कि कूद जाओ बेटा बट खैर वो आपका सबसे मेरे साथ थोड़ी चीटिंग हुई थी वहां पे स्टंट मैन ने मुझे धक्का मार दिया कि गिर जा तू क्योंकि तुम 3.5 साल लोगे एक स्टंट के लिए तो ये होगा ना मैं क्लीन से बन गया था मेरी दाढ़ी हो गई थी ओके तो सर ये आपका सबसे मेमोरेबल स्टंट Alright, sir, मैं आपसे जानना चाहता हूँ which was the most I would say difficult part for you मतलब difficult in the sense जिसको आपको भी face करते वक्त लगा कि यार this shouldn't have happened या ऐसा कोई stunt या किसी के साथ हुआ हो या whatever any moment that has happened जो आपके लिए भी शायद difficult रहा हर बार होता था जब तुम लोग stunt complete नहीं करते below the belt अरे यार 3 घंटे लग गए इसे रेडी करने में और ये उल्लू के पट्टे कर ही नहीं रहे गिर रहे हैं अब क्या होगा बट राइट रवि आपके पास भी कुछ सवाल थे प्लीज नहीं मेरे पास कोई सवाल नहीं सर मैं सिर्फ यही जानना चाहता मैं इनफैक्ट जानना क्या चाहता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट हमें टाइगर से डर नहीं लगता था क्योंकि हमारे साथ एक लायन खड़ा था एंड इन ऑल द स्टंट्स यू नो ही इज द सोल ऑफ द शो ये कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर देंगे लेकिन कंटेस्टेंट की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे एंड वी आर ऑल evidence of that we have all come back in one piece scratchless because Rohit sir was standing there behind us supporting us encouraging us so a big hand for him just to really add to that I am really really glad and I'm really happy ki ye wala season maine kiya pichle 2 saal se
बात हो रही थी कि मुझे खतरों के खिलाड़ी करना, बट मैं नहीं कर पाया था, एंड आई एम ग्लैड कि मैंने वो पिछले दो सीजन में नहीं किया था, इज बिकॉज आई रियली रियली वांटेड रोहित सर टू होस्ट द शो व्हेन आई एम अ कंटेस्टेंट ऑन द शो, इज बिकॉज जो एक्सपीरियंस है, जो जितने भी सारे स्टंट, जितना भी हम लोगों ने सब कुछ किया, that was nothing, that was when it compared to the kind of vigilance that he had, the kind of support that he has for all of us. So I think thank you so much for being here. He was a host as well as a mentor. Yeah. Yeah. And that was really important. And I'm really happy ki more than a host, jab camera cut hota tha, to sir ek bahut acche dost hain. Aur humne bahut sari baatein ki jo hum aapko bata nahi sakte sir. Sorry. But thank you so much. Rohit sir ke liye ek baar zordaar taaliyan everybody. Thank you so much. Alright, so अब बढ़ते हैं question answers की तरफ, guys shoot. पहला सवाल. मरेगा तो बैठ. हाँ किलो को नहीं. पहला सवाल देख से. अच्छी. But no, actually contestants as well. Can we have a word with you guys as well? Hina, what was your experience like on the show? I think मैं रोहित सर के बारे में एक चीज़ बोलना चाह रही थी लेकिन सबने बोल दिया. बोलना भी मैं वही चाह रही थी जो सबने बोला, बट एक चीज़ है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी अबाउट रोहित सर. एक स्टंट था मेरा जिसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, लेकिन स्टंट बहुत डिफिकल्ट था. इनफैक्ट रोहित सर ने बहुत ज़्यादा डरा दिया हमको कि इनफैक्ट जो पुराने कंटेस्टेंट्स थे पिछले सीजन्स के, उनके नाम लिखे गए थे वहाँ पर, और सर ने कहा था कि ये लोग हैं, इनमें से कुछ ने स्टंट कम्प्लीट किया है और कुछ ने कम्प्लीट नहीं किया है और अबॉर्ट कर दिया है. और मुझे साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, ब्रीफिंग दी गई थी, क्योंकि मैं उस स्टंट से पहले, आई थिंक दैट वाज द ओनली स्टंट वेयर आई वाज रियली स्कैर्ड एंड आई क्राइड अ लॉट बिफोर गोइंग. सो मुझे सब लोग बोल रहे थे क्योंकि एवरीबडी एक्सपेक्टेड शायद ये नहीं कर पाएगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत डरी हुई है. एंड सब ने मुझे यही बोला कि इफ़ एट ऑल यू वॉन्ट टू अबॉर्ट द स्टंट, आपको सिर्फ ऐसे इशारा करना है तो आपको बाहर निकाल देंगे. बट आई स्टिल रिमेंबर हिज फेस. इन्होंने बोला क्यों, क्या 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 बोल रहे हो, क्यों अबॉर्ट करेगी, नहीं अबॉर्ट करेगी, पूरा करके आएगी ना. आई सेड यस एंड आई डिड इट. सो थैंक यू वेरी मच सर. तो आप लोग इतना दूर चल करके यहाँ तक आए हैं, कोई सवाल अगर आपसे आपके हों रोहित सर से या बाकी कंटेस्टेंट से, प्लीज गो अहेड. यस Yeah, it has happened. Obviously, Spain जाएंगे और बोल वाला stunt नहीं होगा तो कैसे चलेगा? It happened. It's a very beautiful stunt. When you see it, you'll like it. Yeah. Make sure you see it. Yeah, please see it. Make sure. Anyone else? और कोई सवाल? रवि फोड़ो. क्या इन लोगों ने इतना बोल के पका दिया? रवि फोड़ो. फोड़ो. उसके बाद bike. Yeah. Bike. Yeah. उसके बाद bike है ना? यहाँ पे करना, यहाँ पे करना, यहाँ से बोलते हैं ना सवाल उठने के लिए ऑडियो आउटपुट. हाँ, कोई आगे नहीं जाएगा. हाँ रे, इधर ही करवा देना. आगे कोई नहीं जाएगा, यहाँ से सब लोग बोलते हैं ऑडियो आउटपुट. आप इसमें इधर उधर यहाँ पे बोलेंगे इसका देने या फिर इसका देने. लड़कियाँ आप बहुत ही अच्छी थी इस बार एंड बहुत आगे तक आई हैं. मतलब मैं कौन जीता या कौन विनर होगा ये तो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकता, बट आई एम रियली प्राउड कि हर बार हर सीज़न में हम ये चाहते थे और इस सीज़न में काफ़ी आगे तक लड़कियाँ पहुँची हैं और बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन दिया. एक आध स्टंट ऐसे भी हो जहाँ लड़के परफॉर्म नहीं कर पाए और लड़कियाँ कर गईं, एंड डिफिकल्ट स्टंट, ऐसे नहीं कि ईजी वाले, डिफिकल्ट स्टंट्स. बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. आपने देखे हैं सारे कार्टून जो थे साथ में तो इनकी वजह से काफी एक कलर आ गया शो में, कलर्स के चैनल पे. एक सिर्फ ये स्टंट बेस्ड ही नहीं है, स्टंट्स तो है ही, बट इसे किस तरह से एंटरटेनिंग बनाए उसमें इन लोगों ने काफी मदद की. और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब आप टेलीविजन पे देखेंगे तो इट्स लाइक एन एंटरटेनिंग शो, इट्स नॉट जस्ट स्टंट्स और इट्स जस्ट नॉट ड्रामा, इट्स एन एंटरटेनिंग शो वेयर यू विल गेट एवरीथिंग. रोहित सर कैमरा लुक प्लीज. रोहित जी अगर आपका फेवरेट कंटेस्टेंट अगर आप बताना चाहें तो. नहीं यार, बाकी नाराज हो जाएंगे, बट कभी ऐसा लगता था कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और सडनली फिर ये होता था कि जो नॉन परफॉर्मर है वो अच्छा परफॉर्म करने लगता है, क्योंकि माहौल ऐसा था, क्योंकि वो ट्रेंड भी होते गए, ट्रेन होते गए, उनका डर निकलता चला गया. तो कोई एक का नाम नहीं ले सकता हूँ मैं, बट ग्रेजुअली ये हुआ मेरे साथ, पहले भी हो चुका है, पहले भी सीजन्स में हुआ है कि लगता था कि हाँ यार ये तो कर जाएगा और फिर सडनली वो फेल होने लगता है. और जो एक मतलब डार्क हाउस जिसे कहते हैं कि जो एक परफॉर्मर नॉन परफॉर्मर है वो सडनली परफॉर्म करने लगता है माहौल की वजह से या ट्रेनिंग की वजह से. सो किसी एक का नाम नहीं ले सकता हूँ मैं, कई बार मैं खुद शॉक्ड हो गया कि मैंने सोचा ये नहीं कर पाएंगे या कर पाएगी और वो कर पाए.
और जिनके बारे में मुझे लगा कि वो कर पाएंगे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो किसी एक का नाम नहीं ले सकता मैं। कोई ऐसा टास्क जो आपको लगता है कि जो सबके लिए काफी डिफिकल्ट रहा और आपको लगता है वो नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे ऐसा नहीं होता था, बट जब रिहर्सल्स होती थी तब लगता था कि यार इसे कैसे थोड़ा सा इजी कर लें या टेक्निक थोड़ी सी चेंज कर दें, ताकि ये सारे स्टंटमैन नहीं है, ये सब एक्टर्स हैं और इतना इजी नहीं होता एक्टर्स के लिए जो स्टंट वाले नहीं होते, जो स्टंट परफॉर्मर्स नहीं है उनको स्टंट परफॉर्म करना। सो उनके लिए हम लोग थोड़ा सा ट्वीक कर देते थे, बट सभी स्टंट्स उन लोगों ने परफॉर्म किए। इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टंट्स हैं जो हमारे पिछले सीजन में कंप्लीट नहीं हो पाए थे, वो टास्क इनको दिया गया और इन्होंने कंप्लीट किया, जो पहली बार हुआ है फ्यू फैक्टर में। सो दैट वाज अ न्यू थिंग। जैसे कि हमने प्रोमो में देखा कि एक जगह फाइट भी हुई, तो आपके लिए कुछ डिफिकल्ट हुआ हम लोग हैंडल करना? जैसे नहीं, मेरे लिए इजी है, मुझे 2 मिनट लगता था सॉर्ट आउट करने में। ओके, कोई सरप्राइज पैकेज था आपके लिए? दो तीन लड़कियां थी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था ये लोग आगे तक जा पाएंगे या नहीं। कुछ स्टंट्स वैसे थे कि इन लोग उस तरह से परफॉर्म, खास स्टंट इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो, जो कि बहुत डिफिकल्ट थे और जो लड़कियों ने बहुत अच्छा किया। रोहित जी, आप स्पेन में थे और हमने देखा कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कई सारी फिल्में आई और कई सारी फिल्में आने भी वाली है, और जब हैरी मेट सेजल की कुछ झलकियाँ आई हैं, गाने आए, अगर आपने देखा हो, अगर आप कुछ का रिएक्शन देना चाहें आप, उसका क्या रिएक्शन दूंगा? कैसा लगा आपको कुछ एक इम्तियाज? मेरा फेवरेट डायरेक्टर है, मेरा दोस्त है, मुझे हम उसकी हर फिल्म में पसंद आती है। ये होता ही है कि सारे हमारे ही लोग रहते हैं, सॉरी आई एम स्वेटिंग बिकॉज़ आई एम अंडर फीवर। ये है कि हम सुबह होटल से निकलते हैं, स्टंट के लिए जाते हैं, रात को आते हैं और इतने थक जाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, अगले दिन फिर चले जाते हैं। तो मतलब इतना कुछ हम लोग नहीं कर पाए बाहर, बट बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत ही, और बहुत ही सादगी है, बहुत ही अच्छे लोग हैं और मेहनती हैं एंड बहुत सिंपल है। यू नो, सबसे बेस्ट पार्ट के कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कंट्रीज में जाओ तो जो मैनरिज्म है उनका वो आपको नहीं अच्छा लगता है, यू नो, बट यहाँ स्पेन में इट वॉज लाइक बहुत सिंपल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत सादगी है। इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है, यूरोप है, बट स्टिल बहुत सादगी है। और क्रेज की बात की जाए बॉलीवुड की, क्रेज तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, तो आपने कितना महसूस किया बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का? मैं है वहाँ पर भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लोग जानते हैं और खासकर ये इंडियंस बहुत आते हैं वहाँ पर। एक आध स्टंट में तो हमको उनको रोकना पड़ा था, इट वॉज एज इफ हम इंडिया में शूट कर रहे हैं, रोंडा में हम लोग एक स्टंट कर रहे थे, यहाँ पे बहुत इंडियंस आ गए थे और इंडियंस हैं वहाँ पर, एंड थैंक्स टू देम हमें इंडियन खाना मिल रहा था, रेस्टोरेंट्स हैं इंडियन और सो काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और काफ़ी इंडियंस आते हैं वहाँ पर। रोहित जी, जब आपके 27 साल का करियर दांव पर आता है तब क्या करते हैं आप? मैं अपनी औकात पे आ जाता हूँ। क्या बताऊँ, समझ जा। रोहित सर, योर फेवरेट स्टंट जो आपको लगा कि आप करना चाहें इन दिस होल सीरीज? कुछ एक तो कर गया मैं जो लग रहा था, बाकी दो तीन बहुत ही ब्यूटीफुल स्टंट्स थे, मैं एक स्टंट का नाम नहीं लूंगा, बट तीन चार ऐसे स्टंट्स थे जो लगा कि यार बहुत डायनामिक है और स्क्रीन पे बहुत अच्छे लगेंगे। सो आई वॉज रियली हैप्पी जब वो स्टंट्स हमने कंटेस्टेंट से परफॉर्म किया या जब हमने उसे शूट किया। सो ऐसे तीन चार स्टंट्स हैं जो मैं भी करना चाहूँगा या जो उन्होंने भी परफॉर्म किया, एंड सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब स्टंट कंप्लीट होता है। यू नो, समटाइम इट हैपेंस जो ऑडियंस को नहीं पता चलता है कि जब स्टंट कंप्लीट नहीं होता है, जिसकी तैयारी में 6-7 घंटे लग गए, इतना खर्चा हो गया, एंड दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, सो इफ दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, सो इट हैपेंस कि ऑडियंस भी नहीं देख पाएगी वो। सो स्टंट्स कंप्लीट होना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था और मैं उनको हमेशा यही कहता था कि जो भी करना है स्टंट कंप्लीट करो, जैसे भी करना है स्टंट को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। इस बार लकीली बहुत कम ऐसे स्टंट्स हैं जो कंप्लीट नहीं हुए। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए क्या होता है, डायरेक्शन? दोनों में अपनी एक डिफिकल्टी है यार, दोनों में। और ये एक ऐसा शो है, मतलब इट्स नॉट लाइक यू नो सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी टीम के लिए, चाहे वो कलर्स की टीम हो या वेंडमॉल की टीम हो या स्टंट टीम हो या मैं हूँ या कंटेस्टेंट्स हो, बाकी जितने शोज देखते हैं आप। और ये शो में एक्चुअली, इस शो में इट्स नॉट लाइक ए वीक में एक दिन आप गए और आप बैठ गए और सामने कुछ परफॉर्मेंस हुआ और आप अपने घर चले गए। ये 40 डेज हम सब साथ में रहते हैं बाहर, एक दूसरे देश में दूसरी कंट्री में स्टंट्स है और इनको वाकई में बेचारे जो अभी हंस खेल के चले गए, इनको मार लगी है, इन्होंने चोटें खाई हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि वाटर स्टंट है बट वो रात के वक्त हो रहा है, पानी ठंडा है,
एंड ठंडी है या गर्मी है या यू नो टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो जाता था वहाँ, कभी कम हो जाता था. सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट शो, इट्स नॉट एन ईजी शो. वो दिखता बहुत है क्योंकि वन ऑफ एक ही शो है जो अब्रॉड में शूट होता है, रियलिटी शो आई बिलीव. तो दिखने में बड़ा ग्लैमरस और बड़ा ही खूबसूरत और ऐसा लगता है कि वी हैड अ गुड टाइम ओवर देयर, बट ऐसा नहीं है. स्ट्रेट 40 डेज सुबह जल्दी उठो जाओ स्टंट्स परफॉर्म करो, इतना आसान नहीं है इनके लिए भी और हम सब के लिए. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट शो एक्चुअली, यू नो इट्स अ शो जिसमें एक्चुअली यू गिव योर ब्लड एंड स्वेट. ये उस तरह का शो है. इसका देने या फिर इसका देने.